हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? तो वेलकम टू बी पहाड़ी अनदर ब्लॉग। तो स्वागत करता है फिर से बी पहाड़ी अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का। यार बड़े दिनों बाद बी पहाड़ी बना रहा है फिर से ब्लॉग। तो यार अभी मैं जस्ट उठ रहा हूँ, अभी मैंने मुँह हाथ भी नहीं धोया। तो जैसे मैं बाहर दरवाजे पर गया, मैंने दरवाजा खोला, बाहर देखा तो भाई साहब सरप्राइज यार, आज जिस चीज़ का कब से वेट कर रहे थे वो फाइनली आज देखने को मिली। तो चलिए बताता हूँ आप लोगों को साहब। ये देखिए यार गाइस, बर्फ पड़ रखी है। इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रखी है लेकिन कम से कम यार देखने को तो मिली। मुझे तो लगा शायद इस बार पड़ेगी नहीं, लेकिन सुबह सुबह सरप्राइज़। ये देखिए कैसे जंगलों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रखी है लेकिन घर पे नहीं पड़ी, कम पड़ रखी है। इस साइड को दिख रही है बर्फ खेतों में। यार गाइस आज कुछ अलग ही लेवल का सरप्राइज़ मिला सुबह सुबह, जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि रात को मुझे मौसम थोड़ा बहुत ठीक हो गया था। तो ये देखिए यहाँ पर भी अब थोड़ी बहुत बर्फ़ यहाँ पर भी है, शायद पिघल गई होगी क्योंकि मैं बहुत लेट उठ रहा हूँ। व्यू देखो यार कितना अच्छा लग रहा है, पूरा कसम से वाइट वाइट हो रखा। अगर गांव में भी बर्फ़ पड़ी होती पूरी मतलब ढंग से तो और भी मज़ा आता देखने में। तो यार गाइज मेरी तरह आप लोगों को भी सुबह सुबह सरप्राइज मिला होगा तो कमेंट जरूर कर लो। एक्चुअली यार गाइज मैंने सोचा नहीं था कि सुबह ऐसा सरप्राइज देखने को मिलेगा, क्योंकि रात को आसमान हो गया था साफ और मैंने सोचा नहीं पड़ेगी बर्फ़, लेकिन ठंड तो हो रही थी। परसों भी ऐसा ही हुआ था, एक दिन दिन भर बादल छाए हुए थे, मौसम ऐसा हो रखा था कि बर्फ़ पड़ सकती है शायद, लेकिन नहीं। और आज भी मुझे लगा रात को कि नहीं पड़ेगी, लेकिन सुबह जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो क्या दिखा आगे को, बर्फ़ यार भाई साहब। तो यार सुबह सुबह एक्साइटमेंट देखने को मिलता है, पहाड़ों में ही देखने को मिलता है, और बचपन में ही देखने को मिलता था जब हम स्कूल टाइम पे जब बर्फ़ पड़ती थी और सुबह सुबह हमको सरप्राइज़ मिलता था कि आज बर्फ़ पड़ चुकी है, और एक खुशी ये रहती थी कि स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, और दूसरी खुशी कि बर्फ़ में खेलने को मिलेगा, बर्फ़ खाने को मिलेगी। तो उसी टाइप की फीलिंग देखने को मिली आज सुबह सुबह। जैसे मैं उठा जस्ट मैंने बाहर देखा तो बर्फ़ पड़ रखी है। तो यार धूप लग चुकी है, बर्फ़ धीरे धीरे पिघल जाएगी। और अभी मैं जस्ट नाश्ता करके आता हूँ, मुँह हाथ पहले तो मुँह हाथ धोऊँगा उसके बाद नाश्ता करके आता हूँ, और फिर दिखाऊँगा आप लोगों को अगर बर्फ़ रही, क्योंकि गाँव में तो पिघल चुकी है और जो जंगलों में रह रखी है आसपास रह रखी है वहाँ पास के खेतों में रह रखी है। तो दिखाऊंगा आप लोगों को थोड़ा बीरोल सीन लेके, तो मिलता हूँ थोड़ी देर में आप लोगों को। तो यार गाइज हो चुका है नाश्ता और मुआद भी धो लिया है, फ्रेश हो चुके हैं, और अब दिखाते हैं आप लोगों को कुछ व्यू बर्फबारी के। तो यार धूप भी आ चुकी है, देख सकते हो आप लोग पीछे धूप भी पूरी आ चुकी है गाँव में लगभग। हमारे घर पर तो अभी थोड़ी सी आई क्योंकि लेट आती है यहाँ पर धूप। तो ये इस साइड थोड़ा गर्म इलाका है हमारे गांव का, तो इस साइड थोड़ा गर्म है इसलिए बर्फ़ जल्दी पिघल गई, धूप जल्दी आ जाती है, और हमारी साइड अभी धूप कम आ रखी है तो यहाँ अभी बर्फ़ पिघली नहीं, और मौसम भी अभी हल्के हल्के बादल छा रखे हैं लेकिन धूप भी आ रखी है। तो ये और जो गाँव में पड़ रखी है बर्फ़ ये जल्दी पिघल जाएगी, और ऊपर जंगलों में तो बहुत ज़्यादा भी पेड़ों में अटक रखी है बर्फ़, अभी वो नीचे गिरेगी उसके बाद पिघलना शुरू होगी अगर दोबारा बर्फ़ ना पड़ी। तो फिलहाल तो गाइस यार अभी मैं घर पे हूँ, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है, क्या पता चले जाए बर्फ़ देखने और आप लोगों को दिखाने। तो अभी अभी बच चुके हैं दो, और बर्फ बुरफ सारी पिघल चुकी है घर से लेकर जंगल तक, देख सकते हो आप लोग पीछे पूरी बर्फ पिघल चुकी है। और मैं आप लोगों को सूट इसलिए नहीं दिखा पाया, वीडियो इसलिए नहीं दिखा पाया आगे का,
क्योंकि मेरा फ़ोन सुबह ही स्विच ऑफ हो गया था जब मैं ब्लॉग शूट कर रहा था, तो उसी टाइम वो स्विच ऑफ हो गया और चार्ज लगाना कहाँ था क्योंकि लाइट थी नहीं। अभी जस्ट लाइट आई थोड़ी देर पहले, मैंने फ़ोन चार्ज किया, फिर से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया और ठंड हो रही है इतनी ज़्यादा कि मैंने यहाँ पर आग जला रखी है, आग ताप रहा हूँ मैं। यहाँ पर चेयर रखी हुई है मैंने, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यार क्योंकि बर्फ़ गिर रखी है, हवा भी चल रही है बहुत ठंडी ठंडी हवा, चारों तरफ देख सकते हो यार आप लोग, कहीं भी बर्फ नहीं बची हुई है, पूरी बर्फ पिघल चुकी है कहीं भी, बस थोड़ी थोड़ी नजर आएंगी आप लोगों को कहीं कहीं पर जंगलों में, बाकी सारी बर्फ पिघल चुकी है और आसमान में भी हल्के हल्के बादल छाने लग गए। शायद हो सकता है कल फिर बर्फबारी हो जाए और हमें फिर से वीडियो बनाने का मौका मिल जाए। तो गाइस यार अभी हम लोग जा रहे हैं ब्यासी सामान लेने, कुछ सामान लेके आना है, तो पहले निकलते हैं ब्यासी के लिए और लेके आते हैं सामान, फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो ये हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के घराट पे, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं घराट। ये देखिए गाइस ये रहा घराट, यहाँ किसी का अनाज लग रखा है, मैंने जूते पहन रखे हैं इसलिए मैं ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ नीचे दिखाते हैं आप लोगों को, तो ये रही इसकी चक्री जो कि ऊपर पत्थर का बना हुआ है गोल, उसको घुमाती है ये, और ये पानी मिलता है सीधे फिर नदी में, और घराट के लिए पानी आता है इधर ऊपर से, यहाँ से यही वाला पानी इधर चढ़ा रखा है और सीधे आता है यहाँ, फिर यही पानी घुमाता है। और तो यार गाइस लेकर आ चुके हैं हम सामान ब्यासी से, ये रहे लड़के लोग और ये रहा सामान, ऊपर भी बैठ रखे हैं। तो यार रात होने वाली है, बहुत टाइम हो चुका है ब्यासी में, थोड़ा टाइम कर दिया हम लोगों ने, तो टाइम आ चुका है ब्लॉग एंड करने का और मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कल अगर बर्फ़ पड़ेगी तो नया ब्लॉग देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।